हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का एडुटैब टीचिंग परीक्षा पे तहे दिल से स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? अजमोल गुड मॉर्निंग, मलाइका, लकी, भूमिका, प्रभात, नेहा महाजन, मलिका रानी, साकी लसर, गीता कुमारी, नेहा महाजन, शिवानी ठाकुर, रितु, प्रीति, ज्योति रेखा, रजिंदर जैन, आप सभी लोगों का स्वागत है क्लास में। शिखा लांबा जी, फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आई होप मैंने सबके नाम ले दिए होंगे। बाय चांस किसी का मिस हो गया है तो माफ़ी चाहती हूँ मैं, ठीक है। और आप लोग जो रिवीजन करते हो, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे देखकर। मैं ऑब्वियसली सेशन में वेट कर रही होती हूँ, जैसे ही 6 बजेंगे मैं फटाफट से सेशन को स्टार्ट करूँ, बट आप लोगों की रिवीजन देखकर इतना ज़्यादा मज़ा आता है। फ्रेंड्स, मिलकर रहो, आपस में एक दूसरे का रिवाइज करवाओ, हम सब एक टीम है, एक फैमिली है, और मिलकर एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड टाइगर डे से। मैंने आपको बोला था हर सेशन में एक नया डे याद करेंगे हम लोग, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे डेज याद होते रहेंगे, पिछला भी याद करेंगे, नया भी याद करेंगे, ठीक है। लिस्ट प्रोवाइड की नहीं जाएगी। वर्ल्ड टाइगर डे जुलाई 29 को मनाया जाता है, जो आज ही का दिन है। आज हमारा वर्ल्ड टाइगर डे है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें अवेयरनेस फैलाई जाती है, लोगों को ये बताया जाता है कि टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना है, हमें उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है, हमें सपोर्ट करना चाहिए टाइगर की कंजर्वेशन करने में, और हमें बहुत ज़्यादा मदद करनी चाहिए। और इसीलिए ये वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई, यानी कि आज के दिन पे मनाया जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। सेशन में जाने से पहले बाकी के डेज भी मैं आप लोगों को याद करवाऊंगी, जो अब तक हम लोगों ने करे हैं, याद करे हैं। तो वेरी गुड ज्योति रेखा जी, बहुत लोग सारे डेज खुद से ही लिखने लग गए हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर से रिवाइज करेंगे, हर रोज़ रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमें ये सारी बातें टिप्स पर रखनी है। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016 को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों की डिमांड पर ही प्रीवियस ईयर पेपर्स कराए जा रहे हैं। 2019 से और से पीछे को हम चल पड़े थे, आज 2016 की बारी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की नेबरिंग स्टेट्स कौन सी हैं, पड़ोसी राज्य कौन से हैं, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। वेरी गुड फ्रेंड्स, आप लोग बहुत बहुत अच्छी रिविजन करते हो, बहुत खुशी होती है ये देखकर। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। और आई होप अब सभी लोगों के टिप्स के ऊपर सारी की सारी ईवीएस अब तक बैठ गई होगी। वेरी गुड, बहुत लोगों का आंसर आ गया है। प्रीति, साकी, कोमल थांगे, बहुत लोगों ने आंसर दे दिया है फ्रेंड्स, और बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगर आप लोग 2016 का एग्जाम देते तो ये क्वेश्चन हमारा पक्का पक्का सही हो जाता। आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन क्या था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये रहा आपका जम्मू कश्मीर, इसकी नेबरिंग स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश और पंजाब आता है, आप देख सकते हो, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर था। आई गेस ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी, मैप अब तक याद हो गया होगा। आप कोशिश करो प्लीज कि मैप आप लोगों के दिमाग में बस जाए, तभी मैं बार बार मैप आप लोगों को करवाती हूं। ट्राइब्स ने हम महाजन जी मैं लर्न करवा दूंगी, फिक्र मत करो। लो अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो, जो इस एग्जाम में आया था, इतना ज्यादा इजी पेपर था। मैच ईच ऑफ द लोकेशन विद करेक्ट डिस्क्रिप्शन। अब आपको यहाँ पर कुछ लोकेशंस दी है, यहाँ कुछ घर दिए हैं, आप लोगों को मैच करना है कैसे टाइप के घर कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से मार्क करो और मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड कोमल थांगे जी, आप लोग बहुत बहुत बढ़िया लिंक्स, कनेक्शन, सब कुछ कर करके चीज़ें याद रख रहे हैं।
फ्रेंड्स इससे ज़्यादा मैं इसको बड़ा नहीं कर सकती, आप थोड़े टाइम के लिए अपनी चैट को क्रॉस कर कर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो और फिर से चैट खोल कर मुझे रिप्लाई बता दो। ये क्वेश्चन सबसे बड़ी अवस्था में है, ठीक है, इससे ज़्यादा इसको जूम आउट मैं नहीं कर सकती फ्रेंड्स। आप लोगों को ये क्वेश्चन पीडीएफ में मिल जाएगा, मैं रीड करके दिखा देती हूँ जिनको प्रॉब्लम हो रही है। पहले लोकेशन में दिया है मनाली, राजस्थान, असम और लद्दाख। फर्स्ट में दिया है एलिवेटेड हाउसेज मेड ऑन बैम्बू पिलर्स, ठीक है, ये घर कहाँ पाए जाते हैं? हाउस मेड ऑफ स्टोन वुड एंड स्लांटिंग रूफ्स, ऐसे घर जो स्टोन के बने हैं, वुड के बने हैं और इसकी ढालू छतें होती हैं। थर्ड ऑप्शन में है हाउस बोट्स। फोर्थ में मड हाउसेज हैविंग रूफ्स हैविंग थॉर्नी बुशेज, मिट्टी के बने घर जो कटीली झाड़ियों की छतें होती हैं जिनकी, या फिर हाउसेज मेड ऑफ स्टोन एंड वुडन फ्लोर एंड वुडन सीलिंग, ऐसे घर जो वुडन फ्लोर के बने हो और वुडन सीलिंग हो उनकी। तो चलो फ्रेंड्स बहुत लोग आंसर्स बता रहे हैं, जल्दी से मुझे बताओ कि क्या क्या इसके आंसर्स है। सोनिका सिंह जी ब्लर नहीं है, आप चैट को क्रॉस कर दो मिनट के लिए, ठीक है, स्क्रीन को बड़ी करो फ़ोन की, फिर देखो कि क्वेश्चन क्या है और आप रिप्लाई करो। हाँ क्वेश्चन थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, इससे ज़्यादा जूम मैं भी नहीं कर सकती थी इस क्वेश्चन को। आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, उसमें इत्मीनान से आप लोग देखना। बिल्कुल शिवानी ठाकुर जी, जो मैप है आप कॉपी में बनाओ, कॉपी में बना के मैप को प्रैक्टिस करते रहो। अगर आप लोगों को मैप नहीं खरीदना है, मार्केट नहीं जाना है, तो कॉपी में बना लो। हमें तो एक रफ आइडिया चाहिए कि कौन सी स्टेट के साथ कौन सी स्टेट लगती है, ठीक है, बस हमें वो चीज़ की नॉलेज चाहिए मैप से। नीरज चौहान जी, आज कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इस वजह से आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई है इंग्लिश और मैथ्स की। बिल्कुल फ्रेंड्स सैटरडे के सेशन में जुड़ो, जो कॉम्बो सेशन है, मेरी रिक्वेस्ट है सब लोग जुड़ो, हेल्पफुल रहेगा। सीटीपी, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी और ईवीएस आपको सब कुछ करवाया जाएगा उस सेशन में। उस सेशन में ट्रेन वाले क्वेश्चंस को मैं बिल्कुल प्रैक्टिस करवा दूंगी। मुझे ये भी याद है कि मैप एंड डायरेक्शंस आप लोगों को दोबारा से करने हैं क्योंकि कुछ लोगों का वीक है, वो पार्ट भी मैं वहाँ डिस्कस कराऊंगी और कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। मैं डिस्कस कर देती हूँ, अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिखता टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगी मेरे फ्रेंड्स, वहाँ से आप लोग देख लेना जी। बिल्कुल ये सारे टेट एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है, क्लासेस। तो जो ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट क्यों है फ्रेंड्स, ये देखते हैं। सबसे पहले हम अपने फेवरेट, यहाँ पर फेवरेट स्टेट जो बहुत इजीली सभी को पता है, इतनी बारी बोली है वैसे तो सारी ही पढ़ी है, असम की तरफ चलते हैं। हमने देखा यहाँ पर असम लिखा है सी पर, एलिवेटेड हाउसेज मेड ऑफ बैम्बू पिलर्स लिखे हैं, तो बिल्कुल सही, असम में बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती है तो बैम्बू के पिलर्स पर घर बनाए जाते हैं, 10 से 12 फीट ऊँचे बनाए जाते हैं ताकि बारिश से ये खराब ना हो सके। तो सी ऑप्शन नंबर 1 है। सी हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में दिया था, तो फोर्थ ऑप्शन तो हमारा ऑटोमेटिकली इलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड हम देखते हैं हमारा राजस्थान। अब यहां पर दिया है हाउसेज मेड ऑफ स्टोन वुड, ये तो राजस्थान नहीं है। मड हाउसेज हैविंग रूफ्स मेड ऑफ थॉर्नी बुशेज, हमने ये पढ़ा था कि जो राजस्थान है वहाँ पर जो हाउसेज हैं उनकी जो रूफ है वो कटीली झाड़ियों की बनी होती है, तो बी मेरा फोर्थ ऑप्शन हुआ। अब सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में भी फोर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन भी मेरा बाहर हो गया, एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम मनाली के घर कैसे होते हैं, ठीक है। अब मनाली के घर हैं जो फ्रेंड्स, वो आप देखो, हाउसेज मेड ऑफ स्टोन वुड विद स्लांटिंग रूफ्स, हम लोग ये पढ़ के आए थे, जो मनाली है वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, स्नोफॉल होती है, इसलिए जो घर हैं उनकी छतें ढालू छतें होती हैं। इस वजह से ए का आंसर ऑप्शन नंबर 2 था और इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 हम लोगों का करेक्ट आंसर आ गया। एक एक कर कर सारे घरों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर एक टाइप के घर लगाए गए हैं, बिल्कुल वेरी गुड कोमल थांगे जी, उन्होंने हॉट डेजर्ट और खेजड़ी ट्रीज को भी लिंक कर दिया है राजस्थान से। फ्रेंड्स ये घर जो है ये लद्दाख का है,
लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। यहाँ पे 2 मंजिला घर होते हैं, घर स्टोन्स के बने होते हैं, मोटी मोटी जो लकड़ी है उसके तनों से इनकी छतें बनी होती हैं, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पर कोई भी विंडो नहीं होती। जो जानवर होते हैं और इम्पॉर्टेंट सामान होता है घर का, वो ग्राउंड फ्लोर पर रखा जाता है। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है तो ऊपर से लोग नीचे रहने के लिए शिफ्ट हो जाते हैं। लद्दाख की ट्राइब है चंगपा, ठीक है। ये लद्दाख की ट्राइब का नाम चंपा है। अपने टेंट को वो रेबो कहते हैं। आपने ये याद रखना है, लद्दाख से पश्मीना शॉल फेमस है, जो 6 स्वेटरों जितनी गर्म होती है और 250 घंटे एक पश्मीना शॉल बनाने के लिए लगते हैं। वहां से हमारे पास 6 नंबर आ जाता है। यहाँ से हम ये देखेंगे कि EVS में हमारी 6 थीम्स होती हैं। आप सभी को पता है कौन सी थीम्स हैं। फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि 6 थीम्स कौन सी हैं EVS में। उसके बाद 6 से हमें याद आता है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून अपॉन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1/6 के बराबर होता है। वहां से आया हमारा अगला 6 का लिंक। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग 6 से क्या देखेंगे, वो ये कि जो टाइगर होता है बाघ, जो 40 किलोग्राम्स ऑफ मीट खा लेता है एक टाइम पर, उसकी जो आई साइड होती है, विजन होती है, हम ह्यूमन से 6 गुना ज़्यादा तेज होती है रात के समय में। सुनीता विलियम्स ने, जो इंडियन ओरिजिन की सेकेंड वुमेन एस्ट्रोनॉट है, उन्होंने 6 मंथ से अधिक टाइम स्पेस में, अंतरिक्ष में गुजारा था। ये था फ्रेंड्स लद्दाख, और लद्दाख से जितना भी मैं लिंक कर सकी मैंने सारी बातों को आपके लिए कनेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स ये घर। ये घर हमारे असम राज्य में पाए जाते हैं। असम में बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, आप सबको पता है, इसलिए घर जो है वो बैम्बू के बनाए जाते हैं। ये घर 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं लगभग, ताकि ये बारिश से खराब ना हो सके। फिर फ्रेंड्स असम से मुझे याद आता है मूगा सिल्क, ठीक है, जो बोडो और असमी है, असम की लैंग्वेज है। टी असम राज्य से फेमस है, और बीहू यहाँ का डांस फेस्टिवल है। ये सारी बातें असम से मुझे याद आती हैं, जो हम हर बारी डिस्कस करते रहेंगे। फटाफट से आंखें बंद कर मैप में भी देख लो कि असम कहाँ होता है और लद्दाख कहाँ होता है। नेक्स्ट फ्रेंड, इस तरह के घर, ये हॉट राजस्थान है। राजस्थान एक गर्म डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है। यहाँ पर रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा कम पड़ती है। जो लोग हैं उनके घर मड के, मिट्टी के बने होते हैं, और काओ डंग से लीप पोत कर इन्होंने दीवारों को अच्छा बनाया होता है, ताकि इंसेक्ट्स, कीड़े अंदर ना आ सकें। अब इंसेक्ट से एक और बात कनेक्ट होती है फ्रेंड्स, वो आप खुद से कनेक्ट कर लेना, हम आगे चलते हैं, ठीक है। ताकि ये घर टूटे ना और इंसेक्ट्स अंदर ना आ सकें, जो इनकी छतें हैं वो थॉर्नी बुशेस की बनाई हुई होती हैं, कटीली झाड़ियों की बनाई हुई होती हैं। खेजड़ी ट्री जो है वो हमारा राजस्थान से है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप के घर हैं। यहाँ पर आप छतें देख सकते हैं, स्लांटिंग इस प्रकार की छतें हैं, ढालू छतें हैं। ये घर श्रीनगर, मनाली और कश्मीर में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल और स्नोफॉल होती है, जिस वजह से जो छतें हैं उन्हें ढालू बनाया जाता है, ताकि बारिश से, बर्फबारी से सारी की सारी बर्फ नीचे गिर जाए और कलेक्ट रूफ पर ना हो। ये बात आपको याद रखनी है। ये घर स्टोन, ब्रिक्स और वुड के बनाए हुए होते हैं। अच्छा, श्रीनगर से मैं आपको लास्ट टू लास्ट सेशन में एक बात करा के आई थी, ठीक है, जो मॉक टेस्ट था हमारा। श्रीनगर में के घरों में कुछ एक स्पेशल बात होती है, वो क्या होती है फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। देखते हैं कौन इसका आंसर देता है कि श्रीनगर के घरों में ऐसा क्या स्पेशल होता है। हमने पढ़ा था कुछ खिड़कियों विड़कियों की बात थी। गाइज, ये है आप लोगों के लिए छोटी सी हिंट, फटाफट से मुझे इसका आंसर बताओ, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उससे पहले जिनको भी इसका करेक्ट आंसर आता है, अरे वेरी गुड, शाबाश पुष्पा जी, पुष्पा सिंह का आंसर आया है डब। और जो मेहराब हो, एक डब होता है, जो खिड़कियां होती हैं श्रीनगर के पुराने घरों में फ्रेंड्स, वो घर से बाहर को होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं, बड़ा अच्छा वुडन वर्क होता है, उन्हें डब कहा जाता है। जो वहाँ की सीलिंग्स होती हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छी लकड़ी की नक्काशी होती है, जिसे मेहराब कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, द डिफरेंट पैटर्न ऑन स्किन ऑफ एनिमल्स। ये कहते हैं कि एनिमल्स की स्किन पर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होते हैं, इसका कारण क्या है। पहला, एन इंडिकेशन ऑफ देयर फिजिकल स्ट्रेंथ, की भाई डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है, हमें वहां से पता चलता है कि ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है,
क्योंकि इसकी स्किन पे डिफरेंट पैटर्न है ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, की जो लाइट ऊपर से पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही है जिस वजह से डिफरेंट पैटर्न है। ड्यू टू हेयर ऑन देयर स्किन, उनकी स्किन पर बाल हैं जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होते हैं। ड्यू टू वेदर कंडीशन इन दे लिव इन, ठीक है, इस वजह से जिस वेदर कंडीशन में वो रहते हैं उस वजह से। जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्लियर नहीं दिख रहा फ्रेंड्स, मैंने अपनी तरफ से पूरा जूम किया है। जयसिंह जी थोड़ी देर के लिए प्लीज एडजस्ट कर लो चैट, एक सेकंड के लिए बंद कर लो फिर आंसर दे दो। बाकी मेरी कोशिश रहेगी नेक्स्ट टाइम से और जूम कर दूं, वैसे ये मैक्सिमम जूम है मेरी तरफ से। क्वेश्चन, चलो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ड्यू टू हेयर ऑन देयर स्किन। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि जो एनिमल्स हैं उनकी स्किन पर जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, उस वजह से उनका डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होता है स्किन का। ठीक है, ये बात थोड़ी ध्यान में रखना कि जो स्किन पे डिफरेंट पैटर्न होता है वो हेयर की वजह से होता है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने इसका ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर ही दिया है। ठीक है रोजकर जी, रोजीकर जी, सभी लोगों ने सी आंसर दिए हैं, ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है। जिनका बाईजन नहीं भी करेक्ट उनको अब पता चल गया। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, पीपल हु हैव बीन लिविंग इन फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 ईयर्स, कुछ ऐसे लोग हैं जो फॉरेस्ट में 25 साल से रह रहे हैं, हैव राइट टू फॉरेस्ट लैंड एंड वॉट इज ग्रोन ऑन इट, उनका अधिकार है फॉरेस्ट की लैंड पर और जो भी वहां ग्रो हुआ है वो उनका है, ये किस लॉ के अंदर आता है? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, भारतीय जंगल अधिनियम 1927, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, जंगल अधिकार अधिनियम 2007, द लॉ ऑफ एक्विजिशन एक्ट 1894 या फिर द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2012। इसका करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स, जल्दी से मुझे बताओ। ये आपके 2016 का पेपर था, आई गेस अगर हमने 2016 का पेपर दिया होता तो ऑब्वियसली सभी लोगों की ईवीएस कंटेंट में 15 में से 15 नंबर तो आ जाते। तो चलो बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। फ्रेंड्स मैं आपके नाम बहुत ज़्यादा तेज तेज चल रहे हैं इसलिए थोड़े से नाम मैंने नहीं लिए हैं, ठीक है, बट ऑलमोस्ट सभी के लिए है ये, सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, सबको वेरी गुड है। ठीक है, आंसर नंबर टू इसका करेक्ट है, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। तो चलो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि भूमि का एक टिन क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज वन टिन, और राइट टू फॉरेस्ट एक्ट क्या है। इन दोनों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीपल हु हैव बीन लिविंग इन फॉरेस्ट, जो लोग जंगल में रह रहे हैं 25 साल या 25 साल से अधिक, जंगल की भूमि पर उनका हक है, वो लैंड पर उनका राइट है, जो भी उस लैंड में ग्रो होता है वो उनका है, उनकी प्रॉपर्टी है, उनका राइट है, कोई भी व्यक्ति आकर उन्हें जंगल से नहीं निकाल सकता। ठीक है, ये अधिकार दिया गया था 2007 में, आपको ये याद रखना है, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, इसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है। व्हाट इज वन टिन ऑफ लैंड, एक टिन लैंड क्या होता है फ्रेंड्स, लैंड ऑन विच वी ग्रो वन टिन ऑफ सीड को वन टिन ऑफ लैंड कहते हैं, एक ऐसी भूमि जिसमें हम एक टिन बीज उगाते हैं उसे वन टिन ऑफ लैंड कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, मैंने डिस्कस भी किया हुआ है। ठीक है, आई गेस ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीनाक्षी जी आपकी फर्स्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज क्लासेस जुड़िए, 2 से 3 क्लासेस लगाइए, मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ आप कभी भी क्लास छोड़कर नहीं जाओगे। तो चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने जो 2016 के एग्जाम में आपके लिए था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ डिजीजेस स्प्रेड बाय मस्कीटोज, मस्कीटोज से, मच्छरों से कौन सी बीमारियां फैलती हैं, मलेरिया, एचआईवी एड्स, डेंगू, एचआईवी एड्स, कॉलरा या डेंगू, डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया, टाइफॉइड, कॉलरा या चिकनगुनिया। इसमें से जो भी करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स फटाफट से मुझे बताओ, तो डिस्कस करते हैं कि इसका सही आंसर क्या है।
जल्दी से बताओ फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वन टिन ऑफ लैंड वो लैंड होगा जिस पर हम वन टिन सीड उगाएंगे, ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो चलो फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर आ गया है। सुधीर जी, विकास, शाये शाह, तेसुम, आकांक्षा, वेरी गुड, रोनाल्ड रॉस आपने कनेक्ट कर दिया है, शाबाश। फ्रेंड्स कभी कभी मैं नाम इसलिए नहीं लेती क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा डर लगता है आप लोगों से। होता क्या है, अगर मैं किसी का नाम ले दूँ, किसी का नाम ना लूँ, फिर आप नाराज़ हो जाते हो, फिर आप लिखते हो मैम आप तो हमारा नाम ही नहीं लेते। तो होता क्या, चैट बहुत तेज़ चलती है यार, इसलिए नाम मिस हो जाते हैं, इसलिए मैं किसी का नहीं लेती। सभी को वेरी गुड है, ठीक है, सभी को बहुत बढ़िया है। सेशन की स्टार्टिंग में मैं ज़रूर आप सबका नाम लेती हूँ, बीच बीच में लूँगी, कोशिश करूँगी। तो चलो इसी बात पे मेरे दोस्तों आंसर नंबर 3 इसका करेक्ट है, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सही लगाया है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं ऐसी डिजीजेज जो गंदे पानी की वजह से फैलती है, डर्टी वाटर की वजह से फैलती है बीमारियां, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो जो वाटरबॉर्न डिजीजेज है वो पैथोजन्स, वायरस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, वर्म एटसेट्रा, इनकी वजह से ट्रांसमिट होती है, ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। वाटर जो है उसमें मस्कीटोज ग्रो करते हैं, ठीक है, आपको पता है ब्रीड करते हैं, मस्कीटोज ग्रो करते हैं, जिस वजह से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी डिजीजेस हो जाती हैं। ये आपको बात याद में रखनी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में डिजीजेस से रिलेटेड पूछा जाता है और मलेरिया से रिलेटेड तो और भी डीप में पूछा जाता है जो हम डिस्कस करेंगे। अब हमें, ठीक है, अब वाटर में जो ट्रीटिंग द वाटर इज ओनली इफेक्टिव वे ऑफ कंट्रोलिंग डिजीजेस। अगर हम पानी को ट्रीट करेंगे फ्रेंड्स, साफ पानी पिएंगे, हमारे घर में वाटर फिल्टर्स होंगे, हम पानी को अच्छे से फिल्टर करके पिएंगे तो हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, डायरिया, ये सारी बीमारियों से बच पाएंगे। अब होता क्या है, कभी कभी हमारे घरों में फिल्टर्स नहीं होते, ठीक है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, जिन लोगों के पास फिल्टर्स नहीं होते अगर उनको लगता है कि वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप प्लीज़ पानी को बॉयल करके पियो, लेकिन साफ पानी पियो, क्योंकि जो डिजीजेज हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में गंदे पानी से फैलती हैं, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इसका करेक्ट आंसर है। अब इन सब से बचें कैसे, ये डिजीजेस को अवॉइड कैसे करें, उनके बारे में देखते हैं। कभी भी अपने घरों के आसपास आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, पानी को कलेक्ट नहीं होने देना। अगर बाई चांस घरों के आसपास खड्डे हैं, बारिश होती है, वहाँ पानी कलेक्ट होगा, पानी कलेक्ट होने की वजह से जो मच्छर है उसमें पिनपिनाएंगे, जिस वजह से डिजीजेस होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपके घर वाटर पॉट्स हैं, कूलर्स हैं, टैंक्स हैं, प्लीज़ एक हफ्ते में एक बार ज़रूर उन्हें ड्राई करें, ज़रूर उन्हें क्लियर करें, क्योंकि हमें अपने आप को फिट रखना है, हेल्दी रखना है और डिजीज़ से बचकर चलना है। एक चीज़ और ध्यान रखें, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, कैरोसिन को स्प्रे करें, जब भी आपको कहीं दिखता है वाटर कलेक्ट है आप कैरोसिन स्प्रे कर दो। उससे क्या होगा, कैरोसिन को स्प्रे करने से जो कनेक्शन है, ठीक है, एयर का, वो कट जाएगा, एयर का कनेक्शन कट जाएगा, ऑक्सीजन का कनेक्शन कट जाएगा, जो मच्छर हैं वो ब्रीड नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से ये डिजीजेज नहीं हो पाएंगी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखनी है, रोनाल्ड रॉस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मच्छर के पेट में झांक के देखा था, उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था और उन्होंने मलेरिया की मेडिसिन को डिस्कवर किया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जो मलेरिया है वो फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के काटने की वजह से होता है, मादा एनोफिलिस मच्छर। आपने इस मच्छर का नाम याद रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये क्या करता है, प्लास्मोडियम होता है, प्लास्मोडियम पैरासाइट्स, प्लास्मोडियम परजीव होते हैं, जैसे ही ये हमें काटते हैं हमारी ब्लड स्ट्रीमर में ये जो परजीव है ये चले जाते हैं, जिस वजह से हमें मलेरिया हो जाता है। पहले के टाइम में सिंकोना की जो ट्री है, सिंकोना पेड़ है, उसकी बाग छाल को उबाल कर, ठीक है, वो पानी पिलाया जाता था व्यक्ति को और एज अ मेडिसिन ट्रीट किया जाता था। आजकल के टाइम में तो दवाइयाँ भी बन गई हैं और रोनाल्ड रॉस वो साइंटिस्ट हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ये बात ध्यान में रखो, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सेशन में जुड़ो, जो लोग नए हैं बार बार चीज़ों को बोल बोल के रिवाइज करेंगे, एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ को लिंक करते हुए चलेंगे और सारी चीज़ें याद करते हुए चलेंगे, बार बुक खोल के रिवाइज करने की हमें ज़रूरत नहीं है, अगर आप ईमानदारी से सेशंस अटेंड कर लेते हो तो।
विद इन 4-5 सेशंस अटेंड करके आपको ये फील होगा ले मुझे तो सारा कुछ आ गया। मैं दावा करती हूँ, वादा करती हूँ फ्रेंड्स, ऐसा होगा, ट्रस्ट करो मुझ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पिचर प्लांट के बारे में। अब पिचर प्लांट जो है, पिचर पादप है जो, इसके बारे में बताओ। इट इज नॉट फाउंड इन इंडिया, पहला ऑप्शन था। क्लेवरली ट्रैप्स एंड ईट फ्रॉग इंसेक्ट्स एंड माइस, ये क्या करता है, बहुत चालाकी से इंसेक्ट्स को, ठीक है, फ्रॉग को और चूहों को ट्रैप कर खा जाता है। एमिट करता है साउंड ऑफ हाई पिच टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, ये क्या करता है, बहुत हाई पिच की जो साउंड है उसको छोड़ता है, ध्वनि छोड़ता है, जिस वजह से इंसेक्ट्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं और इन्हें खा जाता है। हैव माउथ कवर्ड विद टाइनी हुक्स, क्या इसके मुंह में टाइनी हुक्स, आपको पता है कैसी होती हैं, क्या इसके मुंह में टाइनी हुक्स लगी हैं, जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। थैंक यू सो मच सोनिका सिंह जी, आपने लिखा आई ट्रस्ट यू, मैं अब जरूर आप लोगों का ट्रस्ट हमेशा बनाए रखूंगी, थैंक यू सो मच। जल्दी से मेरे फ्रेंड्स, तो वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। फिर पिचर प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज सेशन में लाइव आओ, लाइव सेशन अटेंड करो, मजा यार लाइव पढ़ाने का आता है। यार क्या आप मेरे लिए 6 to 7 एक घंटा नहीं निकाल सकते, बताओ, ठीक है, जिसमें आपको सेशन इतना इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी पता है सेशन में आने का फायदा है, चीजें याद भी मैम ही करवा रही है, और क्या चाहिए आपको बताओ। या तो ऐसा हो कि मैं पढ़ा के जाऊं तो मानो आप बोलो छोटे यार रिकॉर्डेड देखेंगे बाद में। जब आपको ये भी पता है मैम याद भी करा रही है, आप फटाफट आंसर देते हो, हम इंटरैक्ट करते हैं, कितनी सारी चीजें डिस्कस करते हो, तो फ्रेंड्स लाइव आने की कोशिश करा करो। मैं मानती हूँ आप सबको काम है, ठीक है, बट पढ़ाई से इंपॉर्टेंट तो नहीं होगा ना, मान के चलो। कई लोग मैरिड है जिनके छोटे बेबीज होते हैं, घर पे काम होता है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आप फिर भी कोशिश करा करो कि प्लीज सेशन में लाइव आओ, प्लीज सेशन में लाइव आओ, ठीक है। ये बोलने का बार बार एक मकसद होता है फ्रेंड्स कि लाइव आओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपका दिमाग, एक तो मैं बोलूँ तो आप सुनो, ऊपर से आप लिखो सारे सारे आंसर्स लिंक कनेक्ट करके, तो आपका दिमाग भी जोरों से चले और वो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएं। इसीलिए बोलती हूँ बार बार लाइव आओ लाइव आओ लाइव आओ। नहीं नहीं मानी जी, कोरोना नहीं आएगा इस बारी क्वेश्चन में। अगर कोरोना इस बारी क्वेश्चन में आ भी गया तो आप लोगों को कोरोना के बारे में पता तो है ही, आप लिख देना, टिक कर देना जो भी ऑप्शन आया कोरोना से। तो चलो फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है, क्लियरली ट्रैप्स एंड ईट फ्रॉग इंसेक्ट्स एंड माइस। कैसे देखते हैं, स्पेशल प्लांट्स के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अब हम पिचर प्लांट के बारे में, नेपेंथिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक कार्निवोरस या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ये नाम इसको क्यों दिया गया फ्रेंड्स, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को, फ्रॉग्स को, माइस को खाता है, ठीक है। अब यहाँ इंसेक्ट्स एक वर्ड याद आता है, जिस इंसेक्ट्स वर्ड से मुझे एक बात याद आ जाती है कि जो राजस्थान के घर हैं उन्हें काओ डंग से लीप पोत कर बनाते हैं, ताकि इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े अंदर ना आ सकें। इनकी जो छतें होती हैं कटीली झाड़ियों की, थॉर्नी बुशेस की बनी होती हैं। इसी तरह से कोई भी वर्ड आपको आए, कभी भी आप कुछ पढ़ो जिससे आप कुछ कनेक्ट कर सको, तो ज़रूर कनेक्ट करके रिवाइज करो। इससे हम बार बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे और तभी बिना बुक खोले पेपर देने जा सकेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, इंसेक्ट्स फ्रॉग एंड माइस को खाता है। एक बात याद रखना, कभी क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन आता है कि ये आया हुआ है एग्जाम में कि स्मॉल इंसेक्ट्स को खाता है, फ्रेंड्स वो ऑप्शन गलत है। ये सिर्फ स्मॉल इंसेक्ट्स को नहीं खाता, ये फ्रॉग माइस और इंसेक्ट्स को खाता है, ये बात आप ध्यान में रखना। ये मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है, ये पत्ती का रूपांतरण भाग है, ये आपको याद रखना है, इससे भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिचर प्लांट, ठीक है। ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को और प्रोड्यूस करते हैं गुड स्मेल, अच्छी सी गंध प्रोड्यूस करते हैं, ये अच्छी स्मेल प्रोड्यूस करते हैं जिससे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से ये क्या करते हैं उन इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। वहां पर साउंड दिया हुआ था ऑप्शन में, ये देखो एमिट साउंड नहीं एमिट, ये स्मेल रिलीज करते हैं, इसीलिए वो ऑप्शन वहां गलत था। तो ये बातें कुछ ध्यान में रखना, ठीक है। ये कहाँ फाउंड होते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में एंड मेघालय ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं।
क्वेश्चन में पहला ऑप्शन क्या था? इट इज नॉट फाउंड इन इंडिया, इसीलिए ऑप्शन गलत था क्योंकि ये इंडिया के मेघालय में पाए जाते हैं, इंडिया के मेघालय में, मेघालय में, मेघालय में। आपको ये बात इस तरह से याद रखनी है, ठीक है। अब ये प्लांट जो है फ्रेंड्स, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, इनके पास क्लोरोफिल है, फिर इनको कीड़े खाने की जरूरत क्या पड़गी? जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है भाई, तुम अपना खाना बना सकते हो तो तुम्हें क्यों इंसेक्ट्स खाने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट्स खाते हैं, इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसीलिए इंसेक्ट्स को खाया जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है जी। तो चलो फ्रेंड्स आगे देखो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ईटेबल्स इज रिच इन आयरन, कौन से सेट ऑफ ईटेबल आयरन में रिच हैं? फटाफट से इसका आंसर दो और मुझे इसका आंसर बताओ। अच्छा एक बात मुझे आप लोगों से और डिस्कस करनी है मेरे दोस्तों, देखो अब मैं एक चीज को बार 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 रिपीट करती हूँ, ठीक है। कभी बोर हो जाओ तो जरूर लिख देना कि मैम बस बहुत बारी रिपीट कर दिया आपने, ठीक है, लेकिन आप मुझे बता दोगे मैं तब भी नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज बार बार रिपीट करने का रीजन ये है ताकि सारी चीजें आपको दिमाग में याद हो जाए, बस जाए, जब आप एग्जाम में बैठो, एग्जाम देने आओ तो आपको यही दिमाग में चलता रहे, हाँ इसका तो ये आंसर है, इसका तो ये आंसर है। मैं चाहती हूँ एग्जाम में बैठे हुए आपको मेरी आवाज सुनाई दे, अच्छा राजस्थान यहाँ से ये लिंक, अच्छा यहाँ से खेजरी ट्री, अच्छा यहाँ से ये, मैं ये चाहती हूँ फ्रेंड्स, इसीलिए बार बार बोलती हूँ, ठीक है, और मैं बार बार बोलूंगी भी। आप बार बार लिखोगे भी एक ही चीज को, तभी बाय हार्ट हमें वो चीज याद होगी। फायदा ही क्या कि जब एक घंटे का सेशन भी लगाया फिर पीडीएफ खोल खोल के चीजें रिवाइज करनी पड़ रही है, उसका कोई फायदा नहीं है। हमारे सेशन में ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप कभी बोर नहीं होते फ्रेंड्स, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बोर ना हो जाओ कहीं, ठीक है, इसलिए मुझे कोशिश होती है कि पहले सब कुछ मैं आपको समझा दूं, उसके बाद बोल बोल के याद भी करवा दूं, ठीक है। तो चलो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, आंवला स्पिनच जैगरी, बहुत ईजी था, देखते हैं कैसे। अब सभी को अनीमिया के बारे में पता है कि अनीमिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल काउंट कम हो जाता है, ठीक है। आयरन की डेफिशिएंसी अनीमिया का कॉमन टाइप है कि आयरन लोहे की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में जिस वजह से अनीमिया हो जाता है। तो आयरन रिच डाइट जो है डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, इसमें जैगरी होती है, गुड़, आंवला आप सभी लोगों को पता है, और हरे पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स। एक पेशेंट को बोला जाता है ये सारी चीजें पेशेंट खाए ताकि आयरन की कमी उसकी बॉडी में पूरी हो जाए और उसे अनीमिया की कंडीशन ना झेलनी पड़े, अनीमिया उसे ना हो। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है आयरन रिच डाइट कौन सी है, जैगरी, आंवला या ग्रीन वेजिटेबल्स। आप लोगों को ये अपनी डाइट में भी इंक्लूड करना है फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ जाए अनीमिया में डॉक्टर कौन सी चीजें खाने को बोलता है, तो आपको पता होना चाहिए जैगरी, आंवला और ग्रीन पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है फ्रेंड्स। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, आप लोग ये लिखते हैं कि मैम बोर नहीं होते, थैंक यू सो मच, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एक चीज रोज रोज पढ़ के कहीं ऐसा ना होता हो कि मैं बोलती रहती हूँ तो आप कहीं बोर होना शुरू हो जाओ, ठीक है। फिर आप मुझे बता देना कभी बोर हुए तो दूसरे स्टाइल में मैं चीजें बोल दूंगी, लेकिन रिपीट मैं हमेशा करूंगी, ये चीज हमेशा रहेगी सेशन में। ऑलमोस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ अ कंट्री चिलीज आर एडेड वाइल कुकिंग फूड, हर पार्ट ऑफ हमारी कंट्री में मिर्ची ऐड की जाती है, चिलीज ऐड की जाती है जब भी हम खाना बनाते हैं या खाते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड पसंद होता है, कुछ लोग ठीक ठीक खाते हैं, बट थोड़े अमाउंट ऑफ चिलीज तो ऐड होती ही होती है। चिलीज वर ब्रॉट टू अ कंट्री बाय द ट्रेडर्स हु केम फ्रॉम, चिलीज जो हमारी कंट्री में आई थी, जो ट्रेडर्स थे कौन से थे, ठीक है, कहाँ से चिलीज आई थी, कहाँ से वो ट्रेडर्स चिली लाए थे, इसका करेक्ट आंसर बताओ। थैंक यू सो मच, आपको मजा आता है, आपको ईवीएस याद हो गई है फ्रेंड्स, रियली थैंक यू सो मच फॉर दैट, बहुत खुशी होती है, तब लगता है कि हाँ ठीक है। अगर आप पढ़ा रहे हो, आप लोग अगर मुझसे सेटिस्फाई हो, यही एक चीज होती है जो मुझे खुशी देती है कि हाँ एटलीस्ट आप सेटिस्फाई हो, जिनको मैं पढ़ा रही हूँ वो खुश है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 साउथ अमेरिका है, बहुत इजी है फ्रेंड्स, हम लोग ये करा था हमने
फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। टमाटो, पोटैटो और ग्रीन चिली, आपके टमाटर, आलू और हरी मिर्च जो है, ये प्लांट्स हैं, ये इंडिया आए थे साउथ अमेरिका से। आपको ये बात याद रखनी है, जो साउथ अमेरिका से ट्रेडर्स आए थे वो चिली लेके आए थे, याद रखना। क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में 2016 में आया हुआ है आपके सामने। कैबेज, ऑरेंज, पी जो है वो यूरोप से आई थी। जो भिंडी है आपकी, कॉफ़ी बीन है, वो अफ्रीका से आए थे इंडिया। ये कुछ एक्स्ट्रा है, आप ये सारी चीज़ें थोड़ी दिमाग में रखो। क्या पता क्वेश्चन में इन नीचे कैबेज, ऑरेंज, पी के बारे में कभी पूछ लिया जाए। ग्रीन चिली के बारे में पूछा जाता है साउथ अमेरिका, आप लोगों को वो याद रखना है। कोई बात नहीं, अगर रॉन्ग हो गया है मलिका जी फिर क्या फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पर 100 बारी गलत कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ गलत करोगे करेक्ट पता चलेगा, एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा, यही तो हमारा मेन मोटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड मेक इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑफ कैक्टस प्लांट। ऐसी कौन सी बर्ड है, ऐसी कौन सा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। वीवर बर्ड, बया रॉबिन बर्ड, किलचिड़ी, डव फाख्ता या सनबर्ड शक्करखोरा। हम ये पढ़ चुके हैं, बहुत ईजी है, फटाफट से इसका करेक्ट आंसर मुझे बता दो। थैंक यू सो मच रश्मि जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल मोनिका जी, मैंने आपको बोल दिया एक बारी, मैं आपको वादा करती हूँ आज सेशन में सैटरडे का जो कॉम्बो सेशन है जिसमें हर एक टीचर बेस्ट चुने हुए क्वेश्चंस कराने वाले हैं, आपको लगातार सेशन चलने वाला है। एडुटैब पूरी टीम एक एक कर हर एक टॉपिक पढ़ाएगी, उसमें मैप एंड डायरेक्शन मैं पक्का करवाऊंगी। मुझे आप सबकी रिक्वेस्ट याद है फ्रेंड्स, मैं भूलती नहीं हूँ। हाँ थोड़ी आगे पीछे हो जाती है पूरी करने के टाइम पे, बट याद हमेशा होती है, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डव। जिन भी लोगों ने डव लगाया है वेरी गुड, वो सभी का करेक्ट है। बिल्कुल नेहा महाजन जी, ट्राइब्स भी अलग से मैं याद करवा दूंगी, ठीक है। डिफरेंट बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन देयर ओन वे, हर एक बर्ड अपने अलग अलग वे में अपना घोंसला बनाती है, भाई उसकी मर्जी है कैसे घोंसले में उसको रहना है। जो बुलबुल है वो बुशेज यूज़ करते हैं, ड्राई लीव की हेजेस यूज़ करते हैं नेस्ट बनाने के लिए, झाड़ियाँ यूज़ करते हैं, सूखी घास यूज़ करते हैं अपनी नेस्ट बनाने के लिए। जो रॉबिन होती है, किलचिड़ी फ्रेंड्स, उनकी नेस्ट बहुत सॉफ्ट होती है, वो सॉफ्ट सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, जड़े हो गई, ऊन हो गए, बाल हो गए, ठीक है, कॉटन हो गई, ये सारी चीज़ों से अपनी नेस्ट बनाते हैं। क्रो जो होता है वो वायर से, वुड से, घास से अपनी नेस्ट बनाता है, बहुत हाई बनाता है पेड़ पर, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। घरों के ऊपर भी मतलब क्रोज अपनी नेस्ट बनाते हैं, उनकी जो नेस्ट होती है हाइट पर होती है। जो कोयल है फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, वो कभी अपनी नेस्ट नहीं बनाती, वो क्या करती है क्रो के नेस्ट में अपने अंडे दे देती है। क्रो अपने एग समझकर कोयल के एग्स को भी हैच करता है, सफूटन करने में मदद करता है। जो डव है वो अपनी जो नेस्ट है थॉर्न्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स और मेहंदी है जिसमें बनाती है। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर आपका डव था, ठीक है, ये याद रखना। बर्ड्स के घोंसलों से, नेस्ट से भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, और टेंशन मत लो, इसकी जो PDF है वो आप सभी लोगों को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एनिमल एंड आइडेंटिफाई इट। एक एनिमल के बारे में डिस्क्रिप्शन है, आइडेंटिफाई करो कि वो कौन सा एनिमल है। इट लुक लाइक अ बियर, पहली बात तो वो भालू की तरह दिखता है, बट इट्स नॉट, बट वो भालू नहीं है, ठीक है। इट स्पेंड अबाउट 17 hours अ डे स्लीपिंग, वो 17 घंटे सो कर बिताता है। वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच, ये उल्टे लटक कर सोते हैं ट्री ब्रांच के। ये ईट करते हैं लीव्स ऑफ सेम ट्री ऑन विच दे लिव, जौन से भी ट्री पर ये रहते हैं उसके जो लीव्स हैं ये खाते हैं, उसके पत्ते खाते हैं, ठीक है। इट लिव्स अबाउट 40 years। अच्छा आप जब तक आंसर दो तब तक मुझे कुछ याद आया, हम शेयर करते फ्रेंड्स। यार 40 years, मुझे 40 से याद आया कि जो मेरा टाइगर है, बाघ है, वो एक टाइम पे 40 किलोग्राम मीट खा जाता है, ये था मुझे 40 से याद आया, ठीक है। इसी तरह से आपको चीजें याद आनी चाहिए। जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्या बात है फ्रेंड्स, शाबाश, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्लॉथ। स्लॉथ कुछ इस तरह का होता है, ये बहुत क्यूट सा होता है, बियर जैसा होता है।
स्लॉथ एक मैमल है, स्तनधारी है, ठीक है, ये भालू की तरह दिखता है, ये बात आपको याद रखनी है, और ये एक नॉक्टर्नल एनिमल है, निशाचर जानवर है, ये 17 hours a day सोते हैं, ऐसे लटक कर सोते हैं पेड़ से, 17 घंटे सोते हैं एक दिन में, ये बात आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है, आपने खुद देखा है। स्लॉथ क्या करते हैं, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी की पत्तियां खाते हैं, ये 40 साल तक जीवित रहते हैं और अपनी लाइफ स्पैन पर ये 8 different पेड़ों पर रहते हैं, मतलब एक पेड़ पर रह गए, फिर दूसरे पर चले गए रहने, फिर दूसरे पर चले गए, हफ्ते में एक बार ये नीचे जरूर उतरते हैं अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, रिलीफ देने के लिए, नहीं तो ये हमेशा पेड़ पर ही रहते हैं। वेरी गुड फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे आंसर्स कनेक्ट करते रहते हो, शाबाश। निशा तिवारी जी, सैटरडे वाला सेशन 10 AM पर शुरू है, इंग्लिश, हिंदी, CDP आपकी CDP हो गई, मैथ्स हो गई, EVS हो गई, ये सारा कुछ वहां पर डिस्कस होगा, जरूर सेशन में जुड़ेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, कॉन्टिन्यूस सेशन रहेगा, तो प्लीज सेशन में जरूर आइएगा, ठीक है, बहुत फन होगा, इंपॉर्टेंट चुने हुए प्रश्न आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैव एक्सीलेंट साइट एंड कैन सी थिंग्स 4 times मोर देन ह्यूमंस, ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा एक्सीलेंट साइट है और ये ह्यूमन से 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं, फटाफट से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है, इतना ज्यादा ईजी पेपर है, मैं गारंटी दे सकती हूँ आप लोग अगर इस पेपर में अटेम्प्ट होते 99.99% कह सकती हूँ सभी लोग EVS में 15 में, इस कंटेंट में 15 में से 15 या 14 नंबर तो पक्का लेकर ही आते। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड सरिता राय जी, बिल्कुल करेक्ट बात बोली आपने, काइट, ईगल, वल्चर इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। चलो देखते हैं, आप सभी को पता है कि 5 sense organs होती हैं, आंखें हो गई, कान हो गए, नाक हो गए, टंग हो गई और हमारी स्किन हो गई, जिसे हम चीजों को टच करके फील करते हैं। तो स्पेशल बर्ड्स हैं काइट, ईगल, वल्चर, गरुड़, चील और गिद्ध, आपको इनका ध्यान रखना है, ये ह्यूमन से 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। तभी आप ये देखो, ये जो उड़ती हुई ईगल आ रही है, इसने ऊपर से ही नीचे अपने प्रे को देख लिया और शिकार कर दिया। बर्ड्स जो है वो फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं, जो बर्ड है वो हमेशा ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में देखती हैं, क्यों, क्योंकि जो इनकी आंखें होती हैं वो लेफ्ट एंड राइट, इनके फेस के लेफ्ट और राइट पोजीशन पर फिक्स्ड होती हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आउल के बारे में हमने पढ़ा था, जो आउल उल्लू होता है वो लगभग अपनी गर्दन 360 degree तक घुमा सकता है, ऑलमोस्ट 360 degree तक घुमा सकता है। वेरी गुड, टाइगर की जो आई साइड है वो 6 times ज्यादा तेज होती है ह्यूमन से रात के समय में, शाबाश, बहुत बढ़िया लिंक। नेक्स्ट, रीड द गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ फार्मिंग एंड आइडेंटिफाई इट्स टाइप, ये कुछ फार्मिंग के बारे में डिस्क्रिप्शन दिए फ्रेंड्स, इसके बारे में रीड करो और टाइप बताओ। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप, एक क्रॉप काटने के बाद लैंड को लेफ्ट कर दिया जाता है कुछ सालों तक, नथिंग इज ग्रोन देयर, उसके बाद वहां पर कुछ भी ग्रो नहीं किया जाता, जो बैम्बूज हो गई, बांस, वीड्स, खरपतवार जो ग्रो होती है लैंड पर उसको आर नॉट पुल्ड आउट, फ्रेंड्स ये बात आपने ध्यान रखनी है, वो कह रहे हैं उसको पुल आउट नहीं किया जाता, उसको कट किया जाता है, उसको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, और जो भी उसकी एशेज हैं, जो भी उसकी राख है, वो लैंड को, मृदा को फर्टाइल बनाती है, उपजाऊ बनाती है, फर्टाइल बनाती है। व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर फार्मिंग इट इज लाइटली डग अप, जब लैंड तैयार हो जाता है फार्मिंग के लिए तो उसको बहुत हल्के हाथ से थोड़ा सा खोदते हैं, बहुत जुताई नहीं करते उसको, डीपली नहीं खोदते, हल्के हाथ से खोद कर सीड्स ड्रॉप कर देते हैं, और इस टाइप की फार्मिंग को कौन सी फार्मिंग कहते हैं, झूम, ठीक है, स्टेप फार्मिंग, इरिगेशन फार्मिंग या कोऑपरेटिव फार्मिंग, जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या था, क्या बात है, ये बहुत ईजी है, सभी लोगों को पता है, बहुत बार कर चुके हैं फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, झूम फार्मिंग। झूम फार्मिंग, झूम खेती के बारे में डिस्कस करते हैं, ये एक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, स्थानांतरित कृषि है, ठीक है, इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहते हैं, इसको कृतन एवं दहन की खेती कहा जाता है, ये बात याद रखना, ठीक है। पहले क्या होता है, एक लैंड को चूज किया जाता है, अब उस लैंड के ऊपर बैम्बू होती है, बांस होते हैं, वीड, खरपतवार होते हैं, उन्हें काटा जाता है, काटा जाता है, पुल नहीं किया जाता, ये बात याद रखना, जोर फरमाओ,
उन्हें काटा जाता है, उन्हें जो बचे कुचे उनके छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं उन्हें जला दिया जाता है। जलाने से क्या होता है, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है, पोषक तत्व हैं जो, ठीक है, वो सारे के सारे सॉइल में मिल जाते हैं और सॉइल मृदा को फर्टाइल बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। उसके बाद हल्के हाथों से खोद कर इनमें सीड्स डाल दिए जाते हैं, डीपली पलो नहीं करते, इनकी जुताई नहीं की जाती, डीपली नहीं खोदा जाता, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। कुछ समय के बाद क्या होता है, जब इस पे खेती हो जाती है तो हम उसको काट लेते हैं, जो भी हमने ग्रो किया जाता है, और फिर लैंड को कुछ समय तक इसी तरह से छोड़ दिया जाता है। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में प्रैक्टिस की जाती है फ्रेंड्स, ये नॉर्थ ईस्टर्न वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दिमाग में रखो, लाइक मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम। फ्रेंड्स असम से असम के घर याद आ जाते हैं, यहाँ बारिश बहुत तेज पड़ती है, बैम्बू बांस के घर होते हैं, 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं, मूगा सिल्क हमारी असम से है, बिहू असम का फेस्टिवल डांस है, उसके बाद बोडो असमी असम की लैंग्वेज है, टी भी असम राज्य से फेमस है। मिजोरम के जो लोग हैं चिराव डांस कर सेलिब्रेट करते हैं, जब भी हम इस खेती को काटते हैं तो मिजोरम के लोग चिराव डांस करके सेलिब्रेट करते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं फिक्र मत करो, रोज इतनी बारी बोल बोल के चीजों को याद करेंगे कि ये याद आप लोगों को भी हो जाएगी, जैसे बाकी लोग धनाधन चैट बॉक्स में आंसर्स लिख रहे हैं, ठीक है। नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम में प्रैक्टिस होती है। फ्रेंड्स मेघालय से अभी पढ़ के आए कि जो पिचर प्लांट है, पिचर पादप है, वो मेघालय इन इंडिया में पाया जाता है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ स्नेक चेंबर प्लेज ऑन हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बीम, वो कहते हैं एक स्नेक चेंबर है, ठीक है। अगर आपकी तबीयत नहीं है खराब मल्लिका जी, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम देख लेना, ठीक है, सेशन को बाद में देख लेना, रिपीटेड आप रेस्ट करो, टेक केयर करो। व्हेन अ स्नेक चेंबर प्लेज ऑन हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कहते हैं जो स्नेक चेंबर है वो बीम बजाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है। स्नेक क्या करता है, अपने हेड को इस तरह से स्विंग करता है। क्यों स्विंग करता है, इसका रीजन बताओ फ्रेंड्स, क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बड़ा इजी था, बाय स्मेलिंग द इंस्ट्रूमेंट, बाय हेयरिंग साउंड प्रोड्यूस बाय इंस्ट्रूमेंट, की जो जो यंत्र है उससे जो ध्वनि आ रही है उसको सुनकर वो अपनी गर्दन हिलाते हैं, स्मेल करते हैं इंस्ट्रूमेंट को तो हिला पा रहे हैं, ठीक है। मूवमेंट देखते हैं कि सपेरा किस तरह से यूं झूल रहा है तो वो अपनी गर्दन हिलाते हैं, या रिस्पॉन्ड करते हैं वाइब्रेशन को, अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाइब्रेशन को जो उस इंस्ट्रूमेंट से निकल रही है। क्या बात है, वेरी गुड, सबका 4 आंसर आ रहा है। फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज सेशन में लाइव आने की कोशिश करा करो मेरे दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, शाबाश। तो चलो, मैं स्नेक के बारे में यहां पढ़ा रही हूं, आपको स्नेक के बारे में जो भी याद आता है फटाफट से चैट बॉक्स में लिखते चलो, एक कान से मेरा सुनते चलो, हाथों से फटाफट लिखते चलो, जो जो आपको याद आता है, जो मिस होता है उस पॉइंट का ध्यान रखो कि अच्छा मैंने ये वाला पॉइंट मिस कर दिया था, ये आप लोगों को करना है, जल्दी से लिखना शुरू करो जब तक मैं डिस्कस करती हूँ। फ्रेंड्स स्नेक डू नॉट हैव नोज, सो स्नेक स्मेल विद देयर टंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो सांप होता है दोस्तों उसका नाक नहीं होता, वो अपनी टंग से स्मेल करता है। स्नेक डू नॉट हैव ईयर्स, ये भी याद रखना, स्नेक के कान नहीं होते, ये एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं वाइब्रेशंस को, ये बात को ध्यान रखना, ये एब्जॉर्ब करते हैं वाइब्रेशंस को और उससे उन्हें पता चलता है कि कोई शिकार कोई प्रे आसपास है। रेप्टाइल सच अस स्नेक्स हियर्स द वाइब्रेशन कमिंग आउट ऑफ सरफेस ऑफ लैंड, जो भी वाइब्रेशन सरफेस ऑफ लैंड से बाहर आ रही है, जो भी कंपन भूमि का बाहर आ रहा है उसको अवशोषित करते हैं वो, उससे उन्हें पता चलता है। इनके कोई भी एक्सटर्नल ईयर्स बाहरी कान नहीं होते। They also feel vibrations from the ground. ये सेम ही बात है, आई गेस आपको समझ आ गई है। स्नेक के दो हॉलो टीथ होते हैं फ्रेंड्स, दो खोखले दांत होते हैं जिन्हें फन्स कहते हैं। ये रहे आपके फन, आप यहाँ इमेज में देख सकते हो। अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उसकी जो मेडिसिन होती है वो स्नेक के पॉइजन से ही बनती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 4 काइंड ऑफ स्नेक्स है हमारी कंपनी जो हमारे there are many kinds of snake in our country. 4 of them are poisonous. 4 टाइप के स्नेक्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। आपको पॉइजनस स्नेक का नाम भी पता होना चाहिए। इनमें है कोबरा, करियात, रसल वाइपर और सॉस्केल वाइपर। ये रही इनकी इमेज। फ्रेंड्स ये ऐसे 4 टाइप के स्नेक्स हैं जो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, ठीक है। तो ये थी स्नेक के बारे में। वेरी गुड, सभी लोगों ने नीचे
अपनी अपना जो भी कहना चाहते हैं वो लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स, अ फैमिली इज अ यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ मदर फादर एंड देयर टू चिल्ड्रन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक परिवार जो है वो इकाई होता है मम्मी पापा और दो बच्चों का, क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट गलत है, इसके पीछे कारण क्या है, आपको ये बताना था। ऑप्शंस हैं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज देर आर मेनी काइंड ऑफ फैमिलीज, वन कैन नॉट क्लासिफाई फैमिली ऑफ बीन वन काइंड। वो कहते हैं स्टेटमेंट गलत है इसलिए क्योंकि बहुत टाइप की फैमिलीज होती हैं। अब हम ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि फैमिली का मतलब मम्मी पापा दो बच्चे, ठीक है, इसीलिए स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट सिंस द आइडियल साइज फैमिली साइज, कहते हैं स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ये जो फैमिली साइज है मम्मी पापा दो बच्चे, ये आइडियल साइज है एक फैमिली का, ये करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन करेक्ट बिकॉज दिस इज वॉट ऑल इंडियन फैमिलीज आर लाइक। वो कहते हैं ये सही है क्योंकि जो हिंदुस्तान की इंडियन फैमिलीज होती हैं वो ऐसी तो होती है, मम्मी पापा दो बच्चे। नेक्स्ट इनकरेक्ट बिकॉज द स्टेटमेंट शुड स्पेसिफाई दैट द चिल्ड्रन आर बायोलॉजिकल। वो कहते हैं स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि स्टेटमेंट में ये भी तो बताना चाहिए कि जो बच्चे हैं बायोलॉजिकली अपने माता पिता के हैं। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है, इससे पहले मैं बोलूं करेक्ट आंसर बताओ, मैंने नीचे देखा सभी ने बहुत सही ली करेक्ट आंसर लिखा है, आंसर नंबर वन इसका करेक्ट है। ये इनकरेक्ट है फ्रेंड स्टेटमेंट क्योंकि फैमिलीज बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है, कई लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं जिसमें दादा दादी मम्मी पापा बच्चे चाचू चाची उनके बच्चे भी होते हैं, ठीक है। कुछ लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं जिसमें मम्मी पापा और बच्चे होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप की फैमिलीज हैं। तो हम फैमिलीज को ऐसा नहीं बोल सकते कि एक फैमिली जिसमें मम्मी पापा और दो बच्चे हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन, द गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन बींग्स इज डैश एन एड इन डाइजेशन ऑफ फूड। जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं हमारी स्टमक में, हमारे पेट में जो जूस होते हैं जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं, अमाशय में जो है जूसेस, वो क्या है नेचर में, क्या वो न्यूट्रल है, उदासीन, एसिडिक है, अम्लीय, एल्कलाइन है, क्षारीय या एम्फोटेरिक है, जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। बिल्कुल अवसारी जी, इंडिया में ज्वाइंट फैमिलीज भी होती हैं, आपने बिल्कुल करेक्ट बात बोली, क्या बात है फ्रेंड्स, वेरी गुड, बहुत इजी क्वेश्चन था। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये इजी था क्वेश्चन पेपर, सच सच बताओ कि हाँ मैम इजी था या मुश्किल था। बिल्कुल करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर एसिडिक है, अम्लीय। क्या ये क्वेश्चन इजी था ये पेपर, जल्दी से बताओ, क्या आपको पेपर देके ऐसा लगा कि बड़ा मुश्किल पेपर है यार, ईवीएस तो कैसे करेंगे, मुझे नहीं ईवीएस आ रही, मेरे ईवीएस में नंबर नहीं आएंगे, क्या आपको ऐसा लगा, या आपको कॉन्फिडेंस आया कि वाओ यार 2016 का ऐसा पेपर आया था, मैं तो इसको ठाठा सॉल्व कर देता। जल्दी से मुझे बताओ आपके क्या विचार हैं पेपर के बारे में कि पेपर कैसा था। बिल्कुल बहुत वेरी गुड, सब लोगों ने बोला बहुत इजी था फ्रेंड्स, ये जो आप लोगों को पेपर इजी लग रहा है ये आप लोगों की मेहनत की वजह से है, ठीक है, वेरी गुड। आप लोग सेशंस अटेंड करते हैं, आप सेशंस में आते हैं, आप पढ़ते हैं, जब मैं बोलती हूँ इस तरह से रिवाइज करो तो आप सेशन से पहले वेट करते हो, उस तरीके से रिवाइज भी करते हो आपस में, सेशन में मैं बोलती हूँ फ्रेंड्स आंसर लगाओ, लिंक करो, जवाब दो, तो आप वो जवाब भी देते हो, ये आप लोगों की मेहनत है जिस वजह से आज आपको पेपर इतना ज़्यादा ईजी लग रहा है। मेरी फिर से यही रिक्वेस्ट रहेगी मेरे दोस्तों, प्लीज़ सेशन में लाइव आया करो, ठीक है, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, अभी जाना नहीं है हम लोग, नहीं आएगा बिल्कुल शिखा लंबा जी, ये पेपर इजी है बट आप कह रहे हो हमारे टाइम में डिफिकल्ट आएगा, पक्का नहीं आएगा, पेपर डिफिकल्ट आ जाए जैसा मर्जी आ जाए आपके लिए वो इजी होगा, दुनिया के लिए मुश्किल हो लेकिन आप सबके लिए वो पेपर इजी होगा। हमने सब कुछ पढ़ लिया, सारा कुछ पढ़ लिया, ए टू जेड सारी चीज़ें याद कर ली, तो पेपर मुश्किल जैसा मर्जी पेपर आ जाए आप इजीली पेपर को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आ जाओ फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डेज के बारे में यार बात करते हैं। रीता पाल जी, लो मैंने आपका नाम भी दे दिया है, थैंक यू। पंचामीनाथ जी, अली अहमद जी, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स
इसी बात पे नहीं सोनू कश्यप जी, मेरे को कोई क्रेडिट नहीं जाता, क्रेडिट आप लोगों को जाता है। थैंक यू सो मच, सबसे पहला थैंक यू इसलिए कि आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, ठीक है, आप लोगों ने मुझे अपनाया, आप लोग मेरे सेशन में आते हो, सेशन को लाइक करते हो, इतने अच्छे कमेंट करते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबसे। फिर आप सेशन में आते हो, जो मैं पढ़ती हूँ पढ़ते हो वो चीज़, इसीलिए सारा क्रेडिट आप ही लोगों का है, आप ही पे जाता है। अगर आप सेशन में आओ ही ना तो मैं अकेले तो खुद को तो पढ़ा नहीं सकती ना, ठीक है, सारा क्रेडिट आपका है, जिस वजह से आपको बहुत बहुत इजी लग रहा है। तो फ्रेंड्स आ जाओ, इंपॉर्टेंट डेज फटाफट से लिखो, कौन से इंपॉर्टेंट डेज अब तक हम याद कर चले हैं, हर रोज इंपॉर्टेंट डेज को याद किया जाएगा ताकि हमें इंपॉर्टेंट डेज टिप्स पर बहुत बेहतरीन तरीके से याद हो जाए। वेरी गुड, बहुत सारे वेरी गुड, रजिया जी शाबाश, आपके फुल मार्क्स हैं, गुड, बहुत लोग शाबाश, वेरी गुड, ओजोन दे, थैंक यू सो मच पंकज यादव जी। तो जल्दी से फटाफट अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, जितने भी डेज हमने आज तक किए हैं जल्दी से रिवाइज करो, हर रोज डेज रिवाइज करना है, याद रखना है, हर रोज डेज रिवाइज करना है। क्या बात है फ्रेंड्स, शाबाश, वेरी गुड, सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। सबसे पहली बात, डेज मनाया क्यों जाता है, ताकि अवेयरनेस फैलाई जाए सब में। तो अर्थ डे जो होता है हमारा वो 22 अप्रैल को होता है, सभी लोग मन में 3 से 4 बार इसको बोलो, ये चीज याद करने की ही है, इसमें अवेयरनेस फैलाई जाती है कि हमें अपनी अर्थ को कैसे बचा कर रखना है, ठीक है, जो भी हम डिप्लीशंस कर रहे हैं वो नहीं करनी। अर्थ डे 22 अप्रैल, अर्थ डे 22 अप्रैल। अब 22 से मुझे 22 याद आता है, और 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है, ठीक है, अर्थ डे है हमारा 22 अप्रैल को, वर्ल्ड वाटर डे है मार्च 22 को, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है, और वर्ल्ड वाटर डे से भी सारे डेज बड़े इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना ये डे, ठीक है। उसके बाद हमने वर्ल्ड ओजोन डे जो होता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसमें अवेयरनेस फैलाई जाती है कि भाई ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, मत करो डिप्लीट, क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए ताकि ओजोन लेयर डिप्लीट हो, अगर डिप्लीट हो गया हमें कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो 16 सितंबर को हमारा वर्ल्ड ओजोन डे होता है, और आज के दिन फ्रेंड्स वर्ल्ड टाइगर डे है जो जुलाई 29 को मनाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपको बस सेशन अटेंड करने हैं, हर सेशन में रोज इन डेज के बारे में चर्चा करते रहेंगे ताकि ये डेज भी आपको ईवीएस की तरह अच्छे से याद हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आपको पता है, अगर कनेक्शन करने की बारी आई तो हम बहुत कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं कर नहीं रही, जस्ट आपको बता रही हूं, यहां पर 16 सितंबर लिखा है ना फ्रेंड्स, फिर से 6 नंबर आ गया। अब 6 नंबर से आप सभी को पता है कि हम बहुत कुछ याद करते हैं मन में, उसे जरूर याद कर लेना फिर से, ये इसीलिए कराया जाता है ताकि हम भूलें ना, हमको भूलना नहीं है फ्रेंड्स, बार बार बुक खोलकर रिवाइज करने में टाइम वेस्ट होगा, वो टाइम में बचाने के लिए आपको इसीलिए सेशंस में इतनी ज़्यादा इनपुट डाल देती हूँ कि वो टाइम आप लोगों का बचे। प्लीज सेशन में लाइव आया करो यार, अगर सेशन में कोई कमी लगती है तो मुझे बता दो यार, और सेशन अच्छा लगता है तो दुनिया को बता दो, ये चीज़ आप लोगों को मेरे लिए करनी है। प्लीज सेशन को शेयर करो जितना हो सके, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से लो, आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी, ठीक है, वहां पर प्रोवाइड कर दी जाती है। वेरी गुड कोमल तांगे जी, सभी लोगों ने 6 से करना शुरू कर दिया, अरे क्या बात है ज्योति रेखा जी, वेरी वेरी गुड, मजा आ गया, उन्होंने 29 जुलाई 29 से क्या कनेक्ट किया, 29 से उन्होंने इंटरनेशनल डे कलेक्ट किया, फिर उन्होंने कनेक्ट किया कि जो कर्णम महालेश्वरी है उन्होंने 29 मेडल्स जीते हैं इंटरनेशनल इवेंट में, 130 केजीज का वेट उठाया है, उसके बाद हमने और ये आंध्र प्रदेश से है, कुचुपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस है, पोचमपल्ली कलमकारी आंध्र प्रदेश से है, तो ये सारी चीजें इसी तरह से आप लोग याद रख सकते हो। इसी बात पे आज फ्रेंड्स 29 जुलाई को हमने आंध्र प्रदेश की कर्णम महालेश्वरी को भी 29 से कनेक्ट कर याद कर लिया, वेरी गुड, और बहुत लोग वेरी गुड, सुनीता विलियम 6 मंथ्स, क्या बात है, 6 ब्रेल लिपि, शाबाश फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच सेशन में जुड़ने के लिए, ठीक है, और आप बहुत बहुत अच्छे आंसर्स देते हो, बहुत खुशी होती है, ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है, आप हो
तभी मैं हूँ, तभी हमारी क्लासेस हैं। तो प्लीज यार सेशन में लाइव आने की कोशिश करा करो, और सेशन को लाइक करे बिना मत जाओ। जिन भी लोगों ने सेशन को डिसलाइक लगाया है प्लीज मुझे एक बारी बता तो दो। अरे मैं इतनी बारी हमेशा चीखती रहती हूँ कि भाई डिसलाइक लगाओ, तो आपका फोन है, आपका बटन है, यार बता तो दिया करो कि मैम ये वाली चीज है, हम इसलिए डिसलाइक लगा रहे हैं। आप बताते ही नहीं हो कभी, मैं कितनी बारी पूछती हूँ बता तो दो। अब दो लोग डिसलाइक लगा के गए हैं, बता के तो यार गए नहीं है कि मैम हम इसलिए डिसलाइक लगा रहे हैं। ऐसे मत करो फ्रेंड्स, बता तो दिया करो ना। सामने से कोई टीचर ही पूछ रहा है भाई बता दो क्यों डिसलाइक कर रहे हो, तो आप प्लीज़ मुझे बता दिया करो कि मैम हम इसलिए आपको डिसलाइक कर रहे हैं, ठीक है, ताकि मुझे मेरी कमियां पता चलें। और इसी बात पे थैंक यू सो मच सोनिका सिंह जी, आप थैंक यू सो मच, बहुत खुशी होती है सारी चीज़ें देख के। तो फ्रेंड्स इसी बात पर ठीक है हमारा सेशन करते हैं ओवर, कल मिलेंगे हमारे सेशन में, जुड़ेगा जरूर, और लाइव आओ यार प्लीज, और जाने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर जरूर जाना। तो बाय बाय, टेक केयर, सभी लोगों को गुड नाइट है, बाय बाय। और डेज याद रखो, नेक्स्ट सेशन में फिर से हम डेज करेंगे। हाँ तो कुछ लोग अगर तो ऐसे ही डिसलाइक करते हैं मजे लगाने के लिए तो कोई बात नहीं, कुछ इधर उधर के लोग डिसलाइक कर रहे हैं वो भी कोई बात नहीं, लेकिन जेन्युइनली डिसलाइक कर रहे हो ना कि सेशन में कमी है तो बता के जरूर जाओ, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, सो बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं कल 6 बजे।